कार्तिक आर्यन की आने वाली मूवी शहजादा का ऑफिशियल ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया है, जिसे देख के भाई सेम टू सेम मेरे को अल्लाह भाई कुंटा पुरमल्लू की याद आई है। लाइक भाई इन्होंने फ्रेम बाय फ्रेम उस चीज़ को उठाया है एंड उसके अंदर जो एक थोड़ा सा ट्रेन वाला सीक्वेंस है उसे देख के भाई प्रॉपर डीजे वाली वाइब आ रही थी, इवन स्कूटर को देख के भी। इसके अंदर भाई जिस तरीके से इन्होंने क्राफ्ट कराया ना उस कैरेक्टर को, वो मतलब देखो काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी आ रही है अल्लू अर्जुन के साथ में, एंड अल्लू अर्जुन के साथ में तुम सिमिलैरिटी कर नहीं सकते मेरे दोस्त, क्योंकि उनका स्वैग ही अलग है। उनके जैसी एक परफॉर्मेंस अगर कोई दे सकता है तो वो खुद अल्लू अर्जुन ही है। हाँ जान तो थोड़ा फिल्मी साउंड कर रहा होगा लेकिन ये फैक्ट है भाई, उनकी बराबरी ना कोई कर सकता है ना ही उनके जैसे तुम मिमिक कर सकते हो। एंड भाई इसके अंदर यही एक प्रॉब्लम लग रही है भाई, कार्तिक आर्यन काफ़ी हद तक अल्लू अर्जुन को रिसेंबल या फिर कह सकते हो मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि भाई पर्सनली मेरे को तो पसंद नहीं आया। फिर से आगे बढ़ गया, शुरू से शुरू कर देते हैं, कोई बात नहीं 50 मिनट तुम्हारे वैसे वेस्ट कर दिए, थोड़ा और कर लेते हैं। तो शहजादा के अंदर भाई अगर देखा जाए तो मैंने जैसे कि मैंने पहले बोला अल्लाह भाई कुंटा पुरमल्लू से भाई बहुत 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 सिमिलैरिटीज़ हैं, एंड सबसे बुरी बात यह है कि भाई ये सिमिलैरिटी भी एक तरीके से नज़रअंदाज हो जाती है अगर हमें डायरेक्टली ये थिएटर के अंदर देखने को मिलता। इन्होंने ट्रेलर के अंदर ही भाई ऑलमोस्ट पूरी पूरी मूवी रिवील कर दी है, लाइक हर एक चीज़ जो भी यार एक प्लॉट पॉइंट था वो भी तुम्हें देखने को मिल चुका है। परेशा वाला उनके बीच की बॉन्डिंग, उसके बाद बिलॉन्डिंग पता चला जाना कि हाँ भाई मैं कहाँ से हूँ क्या हूँ, फिर जो आइकॉनिक गमछे वाला सीन था जिससे भाई वो बंदों को मारते हैं वो तक भी ट्रेलर की स्टार्टिंग इतनी दिखा दिया गया था, हालांकि वो पिछले वाले में भी दिखा दिया गया था, बट मुझे लग रहा था कि हाँ भाई ठीक है प्रमोशन के लिए यूज़ करें थोड़ा कूलनेस दिखानी है तो चलता है। लेकिन भाई मुझे नहीं पता कि स्टोरी वाइज इतना सब कुछ दिखा देंगे, लाइक भाई पूरी पूरी मूवी तुम देख चुके हो ऑलरेडी, बस थोड़े बहुत डॉट कनेक्ट करोगे अपने आप पता चल जाएगा कि एंडिंग में क्या होने वाला है। एंड भाई मेरे ओपिनियन के अंदर अल्लाह भाई कुंटा पुरमल्लू इसलिए चली थी क्योंकि भाई उसके अंदर अल्लू अर्जुन थे, एंड इसका एक मेन सेलिंग पॉइंट है कार्तिक आर्यन, लेकिन भाई वही उनकी मिमिक कर ले तो भाई कोई पॉइंट नहीं बनता वैसे उससे देखने का। हालांकि इसकी जो टाइमिंग है वैलेंटाइन के आसपास की वो इसे काफ़ी हद तक बेनिफिट देगी, क्योंकि भाई वही है कपल्स वगैरह देखने जाएंगे अच्छा खासा कमा भी सकती है। लेकिन मैं अभी भी कहना चाहूँगा कि भाई इस रोल से तो मैं स्पेशली डिसअपॉइंटेड हूँ उनके, क्योंकि भाई मैंने अब बंदे का एक्चुअल कैलिबर देख लिया ना, उन्होंने भाई फ्रेडी करी थी जिसका रिव्यू भाई ऊपर तुम्हें देखने को मिल रहा होगा, भाई काफ़ी ही ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस थी एंड मूवी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। उसके बाद उससे पहले उन्होंने भाई धमाका करी थी जिसके अंदर उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था, तो भाई इसके अंदर भी उम्मीदें इंसान से बढ़ी जाती है ना। उसके अलावा अगर बात की जाए कृति सेनन एंड बाकी सारे एक्टर्स की तो भाई सच बता रहा हूँ प्रिंसेस फक एक्टिंग लग रही है भाई। परेश रावल सर की एक्टिंग भी मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी लग रही है कि ओके काम चला लिया। उसके अलावा भाई राजपाल यादव सर, यहाँ जाके मेरा मूड एक्चुअली में ख़राब हुआ था भाई, जिस तरीके से वो एक्सप्रेशन बना रहे थे भाई देख के लग रहा है कि राजपाल यादव है जिन्होंने भाई कॉमेडी के अंदर झंडे गाड़ रखे थे, एंड भाई इसे देख के मतलब लग रहा है कि क्यों मतलब यही क्यों इतने बुरे दिन आ गए कि मतलब ये करना पड़ रहा है। सीरियसली भाई बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ मैंने इसके अंदर। हाँ भाई वो जो फिट फैटिश वाली चीज़ थी वो पूरी तरीके से भाई एम्ब्रेस करी है, टैरेंटिनो मस्ट बी प्राउड। हालांकि ये वाला जो प्लॉट पॉइंट था ये हमें अल्लाह भाई कुंटा पुरमल्लू में भी देखने को मिला था, एंड उसके अंदर भाई एक तरीके से ये था कि थोड़ा सा मुझे भी डिस्टर्बिंग सा फील हो रहा था कि मतलब क्या है ये, मतलब ज़रूरत थी क्या इसकी। इसके अलावा आप नॉर्मल जो एक लव स्टोरी टाइप दिखाते वो भी तो दिखा सकते थे क्या, जो भी है भाई फिंगर्स क्रॉस्ड हैं तुम ही लोग बता सकते हो कि कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। एंड भाई यही था इसका रिव्यू, बाकी मैं तो रिकमेंड करूँगा भाई अल्लाह भाई कुंटा पुरमल्लू देख लो, हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है। टिल देन गुड बाय, टाटा सी यू, बाय।